सेंटर आ जाओ प्लीज, अननेरी सेंटर आ जाओ। राज सर सर सामने देखिएगा प्लीज। यस लुक हियर, लुक हियर। बाइट बाइट कर लेते हैं, दो शब्द उनका बाइट हो जाएगा। हाँ पूछो भैया। हाँ ले रहे हैं। हाँ सेंचुरी लग चुकी है आपके कॉमेडी में। पूजा मतलब कहीं ना कहीं हीरोइन सीरियल पर रहता, लेकिन इस पर आयुष्मान सर ने जो पूजा किरदार निभाया, कहीं ना कहीं टफ कॉम्पिटिशन नजर आया क्या? मतलब मैं जा रहा हूँ, हमें हमेशा ये कहते हैं कि पूजा ने बहुत टफ कॉम्पिटिशन दी। एक्चुअली पहली बार जब मैंने आयुष्मान को पूजा के अवतार में देखा था, मुझे लगा कि कोई हीरोइन हमारी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर रही थी, एंड बहुत टक्कर थे, पर हम सखी बन गए थे। अगर बात करो आयुष्मान सर की, पूजा के मूव्स की, तो मैं सुना कि बहुत देखा भी कि उनके मूव्स बहुत बेहतरीन थे, गर्ल को अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पकड़ लेते। क्या कुछ कहना चाहिए किरदार के बारे में? मैं शौक थी जब मैंने वो गाना जमुना पार देखा, वो शौक ही आयुष्मान ने वो मूव्स किए, एंड आई एम श्योर जब वो आएंगे आप उनको वो करेंगे। लेकिन आपके किरदार को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिले, मैम कैसा लगता है कि पर्दे फिर से खुल चुके, इतना ज़्यादा प्यार ऑडियंस दे रही है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर रहे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। आज पूजा आ गए, पूजा से पूजा जी आ गए, पूजा जी आ गए, पूजा जी हमारे आ गए। हमारी पूजा आ गई भाई, पूजा जी बीजी है। ये मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, अब डिप्रेशन चला गया, अब ये अच्छा वक्त आ गया है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छी है, सबके लिए। कहीं ना कहीं सर ये भी कहा जा रहा है कि ये साल फिल्मों का साल है, जहाँ पर खुशियों के सारी अच्छी अच्छी फिल्में सारी और सारी अच्छे से रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्या लगता है सर कहीं ना कहीं ये साल अच्छा? देखिए ये हमेशा हुआ है, अच्छी फिल्में चलेंगी, जो अच्छी नहीं है वो नहीं चलेंगी। अभी अच्छी कौन सी, ये ऑडियंस डिसाइड करती है। आप बिल्कुल सर। ओके एंड सर, ड्रीम गर्ल की पूरी कास्ट टीम को आप अपनी तरफ से क्या शुभकामनाएं देंगे सर? मेरी तो मेरी घर की प्रोडक्शन है, मेरी बेटी की प्रोडक्शन है, मेरे तो दिल से दुआ है सबको, all the happiness and all the best wishes. Thank you so much. Thank you. I sir, one mic to him. He's action. I'm saying action. Oh. He's the captain of the ship. He can guide you. The industry का जो अच्छा दौर शुरू हुआ है, बीच में बहुत depression आ गया था, ये पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। मैंने कहा कि ये ऐसा दौर है जिसमें इंडस्ट्री अभी फिर से उठ गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसमें हमारे राज शांडिलिया और एकता कपूर, इन दोनों का भी हाथ है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बड़ा हाथ है सर, आपका बहुत बहुत बहुत। और सर के साथ घर का एकदम ऐसा फील आता है, जब भी मैं फिल्म करता हूँ, बालाजी की कोई फिल्म करता हूँ, मतलब मैं ईद हुए करता गया हूँ, तो हमेशा लगता है कि अपने घर की फिल्म बना रहा हूँ। और उसमें हमेशा एक कोशिश रहती है कि पूरे परिवार के साथ आप लोग देखें, और जो कि इतना प्यार दिया आप लोगों ने सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से प्यार देते हैं और सर आपका जय माता, जय माता सर। थैंक यू। आई सर, साथ में आई।